हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं, विकास के लिए है। पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक का दौरा किया। मोदी ने इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी अब महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पीएम वहां 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम के हाथों मुंबई में मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन भी होगा। मेट्रो रेल लाइन का शिलान्यास पीएम मोदी ने ही साल 2015 में किया था। इसके अलावा पीएम का मुंबई में एक रोड शो भी होगा। साथ ही वह बीकेसी स्थित एमएमआरडीए ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कलबुर्गी में किया संबोधित। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार कुछ ही वन उपजों पर एमएसपी देती थी, जबकि हमारी सरकार 90 से अधिक वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। कर्नाटक सरकार के फैसले के बाद अब इसका लाभ भी तांडा में रहने वाले सभी परिवारों को मिलेगा। लाखों बंजारा साथियों के लिए आज बड़ा दिन। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के लाखों बंजारा साथियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनको हक्कू पत्र मिला है। शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला। पीएम मोदी के मुंबई दौरे को लेकर शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि मोदी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए मुंबई आ रहे हैं। कर्नाटक में क्या बोले पीएम मोदी? मोदी ने कहा कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। यादगिरी क्षेत्र एक समृद्ध इतिहास को संजोए हुए है। रट्टीहल्ली का प्राचीन किला हमारे अतीत और हमारे पूर्वजों के सामर्थ्य का प्रतीक है। पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित। पीएम ने कहा कि हर घर जल अभियान डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का भी उदाहरण है। डबल इंजन यानी डबल वेलफेयर, डबल तेजी से विकास। आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कई जिलों में सुशासन पर बल दिया पीएम मोदी। हमारी सरकार ने यादगिरी सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। हमने इन जिलों में सुशासन पर बल दिया है। विकास के हर पैमाने पर काम शुरू किया। भारत को विकसित होना है तो सीमा सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की तरह ही जल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा। संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा भारत देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है। अमृतकाल में हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। भारत विकसित तब हो सकता है जब देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर राज्य इस अभियान से जुड़े।